हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर फाइन। गाइज, मैं प्रकाश सर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल बेटर एजुकेशन पर। गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड मराठी का 6th चैप्टर। चैप्टर का नाम है ओलंपिक वर्तुळांचा गोफ। तो चलिए गाइज, बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। गाइज, उससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ, मैं एक्सप्लेनेशन में मीनिंग्स बताऊँगा हार्ड वर्ड्स के, सो आप लोग कहीं पे लिख लेना अच्छे से, ओके गाइज। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग लाइक बटन दबा दीजिए, ओके गाइज। तो चलिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर, और आप लोग अच्छे से ध्यान देना, ओके गाइज। ओलंपिक वर्तुळांचा गोफ। ओलंपिक वर्तुळांचा गोफ का मीनिंग क्या होता है गाइज, आप लोग को यहाँ पे जो ग्रीन बॉक्स दिया गया है ना, उसमें समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे जो राइटर है उनका नाम है बाळ ज पंडित। इनका जन्म हुआ था गाइज 1929 को, और इनकी डेथ हो गई थी 2015 को। प्रसिद्ध लेखक, क्रिकेट सामन्यांचे समालोचक। हमारे जो राइटर है गाइज, ये क्रिकेट मैचेस के समालोचक भी थे। समालोचक मतलब क्या होता है? कमेंटेटर, पता है ना आप लोग को। चलिए, पहिले शतक, कुमारांचे खेळ, क्रिकेट मधील नवलकथा इत्यादि पुस्तकें प्रसिद्ध। गाइज, क्या बताया गया है? ये तीनों बुक जो है इनकी बहुत ही ज़्यादा फेमस रही है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। ओलंपिक सामन्यांची सुरुवात का व कशी झाली। ओलंपिक गेम्स का शुरुआत जो है, स्टार्टअप क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये हम लोग इस चैप्टर में समझने वाले हैं। हे सामने भरवण्यामागील उद्दिष्ट कोणती। ये कॉम्पिटिशन्स जो भी है ऑर्गेनाइज करने के पीछे उद्दिष्ट, उद्दिष्ट मतलब क्या होता है? एम, ओके। एम क्या है? मतलब ये सामने, ये जो कॉम्पिटिशन है, ये क्यों रखे गए थे। चलिए आगे देखते हैं। ओलंपिक वर्तुळांचा अर्थ काय। ओलंपिक वर्तुळ मतलब पता होगा आप लोग को, ओलंपिक गेम्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पे ओलंपिक्स का झंडा लगाया जाता है, पता है ना। वो झंडे के अंदर पांच सर्कल्स रहते हैं, वो पांचों सर्कल्स का मीनिंग क्या है, ये हम लोग को समझेगा इस चैप्टर में, ओके। या सर्वांचा आढ़ावा प्रस्तुत पाठातून लेखकांनी घेतला आहे। या सर्वांचा आढ़ावा, आढ़ावा मतलब होता है गाइज रिव्यू, ओके। इस चैप्टर में हम लोग को राइटर ने इन सब चीजों का रिव्यू जो है बता दिया है, ओके। चलिए आगे, प्रस्तुत पाठातून जागतिक ओलंपिक क्रीड़ा स्पर्धा विषयीची माहिती दिली आहे। सो गाइज, हम लोग को इस प्रेजेंट लेसन में क्या बताया गया है? वर्ल्ड ओलंपिक कंपटीशन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया है, ओके गाइज। चलिए आप लोग ध्यान दीजिए। मनुष्याच्या सर्वांगीण व्यक्तिमत्व विकासात क्रीडेचे महत्व अनन्य साधारण आहे। गाइज, इसका मीनिंग क्या होता है? ह्यूमन के ओवरऑल डेवलपमेंट में स्पोर्ट्स का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए आगे देखते हैं। सर्व स्तरांवर खेळले जाणारे क्रीडा सामने हे जगभरातील क्रीडा प्रेमींचे लक्ष वेधून घेणारे ठरतात। गाइज, इसका मीनिंग क्या होता है? हर एक लेवल पे जो भी गेम्स खेले जाते हैं, ओके, ये क्रीड़ा प्रेमींचे, क्रीड़ा प्रेमी मतलब क्या होता है? स्पोर्ट्स लवर का लक्ष्य, लक्ष्य मतलब क्या होता है? ध्यान, स्पोर्ट्स लवर का ध्यान खींच लेता है। समझ में आ गया आप लोग को? गाइज, आप लोग को पता होगा जैसे ही आईपीएल स्टार्ट होता है, जो भी स्पोर्ट्स लवर रहते हैं, क्रिकेट लवर रहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। समझ में आ गया ना आप लोग को? उसी का एग्जाम्पल दिया गया है। संपूर्ण जगभरातील क्रीड़ा सामन्यात ओलंपिक क्रीड़ा सामन्यांना एक मानाचे स्थान आहे। गाइज, क्या बताया गया है? जितने भी वर्ल्ड में स्पोर्ट्स होते हैं उनमें से ओलंपिक स्पोर्ट्स को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, ये आप लोग को पता होगा, पता है ना आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं। ओलंपिक 2020 विजयाचे उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून आपल्याला आवडणाऱ्या खेळावर लक्ष केंद्रित करून त्यात पारंगत होऊन आपल्या देशाला ऑलिम्पिक विजयाचे मानकरी होण्यासाठी अधिकाधिक प्रयत्नशील राहूया। सो गाइज, राइटर ने जब ये लेसन लिखा था, उन्होंने प्रे किया था, उन्होंने होप किया था कि 2020 में जो भी ओलंपिक गेम्स होंगे उसके अंदर हमारा देश भारत जो है वो सफल हो। समझ में आ गया? मतलब भारत को भी प्राइज मिले, ऐसा उन्होंने प्रे किया था। बट आप लोग को पता ही है, ड्यू टू कोविड पैनिक की वजह से क्या हो चुका है, पूरे गेम्स जो है वो सब पोस्टपोन्ड हो चुके हैं, और अभी
अभी न्यूज आया है कि वो अगले साल मतलब 2021 जुलाई में 23 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया है आप लोग ध्यान दीजिए गाइज। ओके ऑलिम्पिक गावाकडे आमची मोटार भरधाव वेगाने जात होती। सो गाइज राइटर बता रहे हैं कि जहाँ पे ओलंपिक गेम्स होने वाले थे उस तरफ हमारी मोटार मतलब हमारी गाड़ी जो है भरधाव वेगाने, भरधाव मतलब बहुत ही अच्छी स्पीड से जा रही थी। समझ में आ गया। गर्दी प्रचंड असली तरी रहदारीला अड़चन मुळीच नव्हती। सो गाइज राइटर बता रहे हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्दी थी लेकिन रहदारीला, रहदारी मतलब क्या होता है, ट्रैफिक जैम जरा भी नहीं था। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं। येण्या जाण्यासाठी वेगळे वेगळे रस्ते होते। सो गाइज राइटर बता रहे हैं कि आने जाने के लिए अलग अलग रस्ते भी थे। ओके खेळाचे मैदान जवळ येऊ लागले तसे आमचे डोळे समोरील क्षितिजाकडे लागले। सो गाइज राइटर बता रहे हैं कि जैसे जैसे जो प्लेइंग ग्राउंड था वो नज़दीक आ रहा था हमारी नज़र सामने एक क्षितिज था वहाँ पे पड़ी। क्षितिज मतलब क्या होता है गाइज, ऐसा जगह जहाँ पे हम लोग को फील होता है कि स्काई जो है वो ज़मीन को टच हो रहा है, पता है ना आप लोग को, आप लोग ने ऐसा सीन देखा रहेगा कहीं पे, या फिर उसको इंग्लिश में बोला जाता है हॉरिजॉन। समझ में आ गया गाइज आप लोग को। सो राइटर की नज़र जो है हॉरिजॉन की तरफ पड़ी। चलिए आगे देखते हैं क्या बताया गया है। खूपच उंच अशा स्तंभावर एक भला मोटा ध्वज फडफडत असलेला आम्हाला दिसला। सो गाइज राइटर बता रहे हैं कि खूपच उंच मतलब एक बहुत बड़े स्तंभावर, स्तंभ मतलब क्या होता है गाइज, पिलर। समझ में आ गया आप लोग को। सो उस बड़े पिलर के ऊपर एक ध्वज, ध्वज क्या होता है, फ्लैग, फ्लैग लहराता हुआ राइटर को दिखा। समझ में आ गया आप लोग को। वो फ्लैग कौन सा था गाइज, वो फ्लैग था ओलंपिक्स का। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो सर्कल्स दिए गए हैं पाँच, वो सर्कल्स रहते हैं उस फ्लैग पर, पता है ना आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं। ओलंपिक सामन्यांचे ते स्वतंत्र निशान होते। ओलंपिक कॉम्पिटिशन का वो स्वतंत्र मतलब फ्री निशानी था। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं। ध्वजावरील पांढऱ्या शुभ्र पार्श्वभूमीवर लाल पिवळ्या निळ्या हिरव्या व काळ्या रंगांची वर्तुळे एकमेकात गुंफलेली होती। सो गाइज राइटर क्या बता रहे हैं, ध्वजावरील मतलब फ्लैग के ऊपर पांढऱ्या शुभ्र पार्श्वभूमिवर, पार्श्वभूमि मतलब क्या होता है, बैकग्राउंड, और उसका बैकग्राउंड कैसा था फ्लैग का, वाइट पांढरा शुभ्र, उसके ऊपर क्या था गाइज, लाल पिवळ्या निळ्या हिरव्या व काळ्या रंगांची वर्तुळे मतलब ये सब कलर्स की सर्कल बनाई हुई क्या थी, चेन थी। समझ में आ गया आप लोग को। कौन से कलर्स बताए गए हैं, लाल पिवळ्या हिरव्या निळ्या काळ्या, समझ में आगे आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं। एक में कात गुंफलेली होती। गुंफलेली मतलब क्या होता है गाइस, कनेक्टेड। आप लोग यहां पे पिक्चर में देख सकते हो ये सब सर्कल्स जो है वो एक दूसरे से इंटरलॉक्ड है, देख लिया आप लोग ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं क्या बताया गया है। जणू पांच मित्रच हातात हात घालून आपल्या मैत्रीची साक्ष जगाला देत होती। सो गाइज उन सर्कल्स को देख के ऐसा लग रहा था कि फाइव फ्रेंड्स है और वो हाथ मिलाकर चल रहे हैं, हाथ डालकर चल रहे हैं, और उनको देख के ऐसा लग रहा है कि उनकी फ्रेंडशिप कोई नहीं तोड़ सकता। वो पूरे वर्ल्ड को ये बता रहे थे कि हमारी फ्रेंडशिप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, हम लोग में यूनिटी है। समझ में आ गया गाइज आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं। ही पांच वर्तुळे म्हणजे जगातील पांच खंड। सो गाइज क्या बताया गया है, ये जो पांच सर्कल्स है ये क्या है, वर्ल्ड के पांच इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। समझ में आ गया आप लोग को। आणि त्यांची शुभ्रधवल पार्श्वभूमी म्हणजे विशाल अंतराळ, मतलब इनके पीछे जो व्हाइट बैकग्राउंड है वो क्या है, विशाल अंतराळ। अंतराळ क्या होता है गाइज, विशाल स्पेस, पूरा स्काई। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं। या ध्वजावर ओलंपिक वृद्ध वाक्य लिहिलेले आहे। सो गाइज क्या बताया गया है, इस ध्वज के ऊपर मतलब इस फ्लैग के ऊपर ओलंपिक से रिलेटेड वृद्ध वाक्य मतलब ओलंपिक से रिलेटेड स्लोगन्स भी लिखे हुए हैं। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं। सीटीएस ऑल्टीएस फॉर्टीएस म्हणजे गतिमानता उच्चता तेजस्विता। सो गाइज यहाँ पे तीन वर्ड भी लिखे हुए थे, उनका मीनिंग क्या था, गतिमानता मतलब स्पीड,
उच्चता मतलब एकदम अच्छा लेवल क्रिएट करना, तेजस्विता मतलब अपने अंदर पॉजिटिविटी लाना। इनका मीनिंग भी आगे दिया गया है गाइज, मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। प्रत्येक खेलाड़ू ने जास्तीत जास्त गतिमान होण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, मतलब हर एक प्लेयर ने ज़्यादा से ज़्यादा गतिमान, मतलब जितना ज़्यादा वो स्पीडी रह सकता है उतना ट्राई करना चाहिए। समझ में आ गया आप लोग को गाइज? आप लोग को पता होगा कोई भी कॉम्पिटिशन्स खेलते हैं तो वहाँ पे सेकंड्स के लिए सेकंड रैंक आ जाता है, पता है ना? एक सेकंड की वजह से हम लोग सेकंड पे आ जाते हैं, पता है ना आप लोग को? चलिए आगे देखते हैं। अधिकाधिक ऊंची गाठण्याची शिकस्त केली पाहिजे। अधिकाधिक मतलब बहुत ही ज़्यादा, ऊंची मतलब एकदम ऊंचाई पे जाने का ट्राई, शिकस्त मतलब ट्राई करना चाहिए। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए आगे देखते हैं। आणि बल संवर्धनासाठी जास्तीत जास्त श्रम केला पाहिजे। बल संवर्धनासाठी मतलब बॉडी बिल्डिंग के लिए, अच्छी फिजिक हो, अच्छी बॉडी बने, इसलिए जास्तीत जास्त श्रम, श्रम मतलब क्या होता है? मेहनत किया जाना चाहिए। समझ में आ गया आप लोग को गाइज? चलिए, असा संदेश हा ध्वज खेळाडूंना देत असतो। ऐसा संदेश ये ध्वज मतलब ये जो फ्लैग है खेळाडूंना मतलब क्या होता है गाइज? प्लेयर्स को देता है। समझ में आ गया आप लोग को? ऐसा संदेश, ऐसा मोटिवेशन प्लेयर्स को मिलता है उस फ्लैग को देख के। समझ में आ गया गाइज आप लोग को? चलिए आगे देखते हैं। या ध्वज स्तंभाजवळ एक स्फूर्तिदायक मशाल सतत तेवत असते। सो गाइज क्या बताया गया है? या ध्वजस्तंभाजवळ, ध्वजस्तंभाजवळ मतलब क्या होता है? वो जो फ्लैग का पिलर रहता है ना, उसके बाजू में ही स्फूर्तिदायक मतलब बहुत ही ज़्यादा एकदम एक्टिवनेस दिखाने वाला मशाल, मशाल पता है ना गाइज आप लोग को क्या होता है? हाँ, सो ऐसा मशाल जो है हमेशा, सतत मतलब क्या होता है? हमेशा तेवत असते, तेवत मतलब जळत असते। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए आगे देखते हैं। ऑलिम्पिक सामने म्हणजे क्रीडापटूंसाठी आणि क्रीडा शौकीनांसाठी एक पर्वणीच असते। सो गाइज क्या बताया गया है? ओलंपिक गेम्स जो रहता है ये क्रीडापटूंसाठी मतलब स्पोर्ट पर्सन जो रहते हैं उनके लिए, आणि क्रीडा शौकीनांसाठी मतलब स्पोर्ट्स प्रेमी जो रहते हैं उनके लिए ये एक पर्वणीच आहे। पर्वणी क्या होता है गाइज? इसका मतलब होता है रेयर अपॉर्चुनिटी। ओके, समझ में आ गया आप लोग को? आप लोग को पता ही होगा एक स्पोर्ट्स पर्सन जो है ओलंपिक में जीतने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है और जीतना कोई आसान काम नहीं होता है, पता है ना आप लोग को? चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वीच्या पाठीवरील सर्व राष्ट्रातील सुमारे 5 ते 6 हजार खेळाडू या सामन्यांमध्ये भाग घेतात। सो गाइज क्या बताया गया है? पृथ्वी में मतलब अर्थ में जितने भी राष्ट्र है सब राष्ट्र को मिलाकर कितने खिलाड़ी मतलब कितने प्लेयर्स जो है वो पार्ट लेते हैं? 5 से 6 हजार, 5 to 6 thousand प्लेयर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। समझ में आ गया गाइज आप लोग को? चलिए आगे देखते हैं। स्त्री खेळाडूंची ही संख्या 2000 आसपास असते। फीमेल प्लेयर्स का भी जो काउंट है वो 2000 के आसपास रहता है। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए आगे। प्रेक्षागारात सुमारे 70 से 80 हजार प्रेक्षक बसण्याची सोय असते। प्रेक्षागारात मतलब क्या होता है? स्टेडियम। ओके, सो स्टेडियम में 70 से 80 मतलब 70 to 80 thousand पब्लिक बैठने की जगह रहती है। समझ में आ गया? प्रेक्षक मतलब कौन होता है? जो देखने आते हैं ना गेम, उनको बोला गया है। समझ में आ गया आप लोग को? याशिवाय सुमारे 25 हजार लोकांना हे सामने उभे राहून पाहता येतात। सो गाइज क्या बताया गया है? इसके अलावा 25 हजार लोग जो है खड़े रह के भी ये सामने मतलब ये कंपटीशन जो है देख सकते हैं। समझ में आ गया? इतना जगह और भी है। समझ में आ गया गाइज आप लोग को? चलिए आगे देखते हैं। पोहनाच्या शर्यतीसाठी 4-5 तलाव ही बांधलेले असतात। पोहनाच्या मतलब स्विमिंग कंपटीशन के लिए, स्विमिंग गेम्स के लिए 4-5 तलाव भी बांधे हुए रहते हैं वहाँ पे। समझ में आ गया गाइज आप लोग को? सो गाइज राइटर जो है अपने टाइम का बता रहे हैं ना, सो इसीलिए उस समय वहाँ पे तलाव वगैरह का जो है सोई किया जाता था। समझ में आ गया आप लोग को? अभी वहाँ पे प्रॉपर स्विमिंग पूल्स वगैरह जो है आप लोग को देखने मिल सकते हैं। ओके गाइज, चलिए आगे देखते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। ओके, खेळांचे विशाल मैदान, स्पोर्ट्स के बड़े बड़े ग्राउंड, त्या भोवतालचे प्रचंड प्रेक्षागार, उसके सराउंड
त्या भवतालचे मतलब क्या होता है, उसके पूरे सराउंडिंग में प्रचंड मतलब बहुत ही बड़ा प्रेक्षागार स्टेडियम है, जैसा कि मैंने आप लोग को बता दिया है। रहदारीसाठी मुद्दाम बांधलेल्या अनेक सड़का, रहदारीसाठी मतलब ट्रैफिक न हो इसलिए जानबूझ के बनाए हुए बड़ी बड़ी लंबी लंबी सड़क, समझ में आ गया आप लोग को। लोहमार्ग, लोहमार्ग मतलब क्या होता है, रेलवे रूट्स, ओके। पुरुष व स्त्री खेळाडू यांच्या निवासासाठी बांधलेल्या असंख्य खोल्या असलेल्या इमारती। सो गाइस क्या बताया गया है, मेल और फीमेल दोनों प्लेयर्स के लिए अलग अलग बांधे हुए, अलग अलग बनाए हुए कमरे और अलग अलग बनाए हुए कमरों की बिल्डिंग्स, ओके। चलिए आगे देखते हैं। वसती गृहे मतलब गेस्ट हाउस, प्रेक्षकांच्या ऑडियंस के लिए श्रम परिहारासाठी मतलब उनके रिफ्रेशमेंट के लिए सुसज्ज फैसिलिटीज, अशी विशाल उपहार गृहे, ऐसी फैसिलिटीज मिले इसीलिए उपहार गृहे मतलब कैंटीन रेस्टोरेंट्स, ऐसे असे है एक मोठे गावत असते, ऐसा ये एक बड़ा सा गांव ही है, समझ में आ गया आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं। याला ओलंपिक विलेज असे म्हणतात, इसको ओलंपिक विलेज ऐसा माना जाता है। ओलंपिक विलेज वसवण्याची कल्पना इस 1956 मध्ये मेलबॉर्न येथे मांडण्यात आली। सो गाइज राइटर बता रहे हैं कि ओलंपिक विलेज ये स्थापना मतलब ये स्थापन करने का जो फर्स्ट कल्पना है ये कब आया था, इस मतलब होता है BC मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, आप लोग ने हिस्ट्री में पढ़ा रहेगा 1956 में फर्स्ट ओलंपिक विलेज जो है वो सेटअप हुआ था, समझ में आ गया आप लोग को। और वो कहाँ पे हुआ था, मेलबॉर्न इस जगह पे, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। पहले आगे क्या बताया गया है, पहले ओलंपिक विलेज तिथलेच मतलब फर्स्ट ओलंपिक विलेज जो है वो कहाँ का है, मेलबॉर्न का ही है, समझ में आ गया आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं। ओलंपिक सामने दर 4 वर्षांनी होतात, ओलंपिक कॉम्पिटिशन गेम्स जो है हर 4 साल में एक बार होता है, समझ में आ गया। हमारे इस साल में होने वाला था 2020 में, लेकिन कोविड ने जो है पूरा प्लान चौपट कर दिया, अभी वो ट्रांसफ़र हुआ है अगले साल 2021 जुलाई 23 को, समझ में आ गया गाइज आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं। हे सामने 5 दिवस चालतात, ये गेम्स जो है 5 दिन तक चलते हैं गाइज। ईस पूर्व 776 मध्ये हे सामने झाल्याची पहिली नोंद ग्रीस देशाच्या इतिहासात सापडते। सो गाइज क्या बताया गया है, फर्स्ट टाइम पे ओलंपिक गेम्स कहाँ खेले गए थे, ग्रीस इस कंट्री में, समझ में आ गया। और ये कैसे पता चला था, जब ग्रीस की हिस्ट्री स्टडी की थी ना गाइज उस टाइम पे पता चला था, ओके गाइज। और ये कब खेले गए थे, ईस मतलब बिफोर क्राइस्ट साइड में 776 में गाइज, ओके। चलिए आगे देखते हैं। त्या वेळी स्पर्धेत यशस्वी होणाऱ्या खेळाडूंना, उस टाइम पे जो गेम्स में जो फर्स्ट आता था मतलब जो रैंक लाता था जो जीत जाता था, ऑलिव वृक्षाच्या फांदीची माळा घालून उसको क्या किया जाता था, उसको ऑलिव पेड़ पता है ना आप लोग को, उसकी फांदी मतलब उसके ब्रांचेस से एक माला बनाई जाती थी और वो माला उन लोग को पहनाई जाती थी, ओके। गौरव करण्यात येत असे, इस तरह से उनका सम्मान किया जाता था, ओके। ग्रीस देशातील अनेक शहरे परस्परांतील भेदभाव विसरून या यशस्वी स्पर्धकांचे प्रचंड स्वागत करत। सो गाइस क्या बताया गया है, ग्रीस शहर में जो भी एक दूसरे में शहर बीच में एक दूसरे में जो भी मन मुटाव रहते थे, जो भी भेदभाव रहते थे, उन सबको भूल कर वो लोग जो फर्स्ट रैंक लाता था ना मतलब जो यशस्वी होता था, उन लोग का बहुत ही प्रचंड अच्छे से बहुत ही जोरों शोरों से क्या करते थे, स्वागत करते थे, समझ में आ गया। या सामन्यातील खेळाडूंना मतलब इन कॉम्पिटिशन में जो भी विनर्स रहते थे या फिर जो भी प्लेयर्स रहते थे, उनको राष्ट्रीय सन समारंभांच्या वेळी मतलब कोई भी कंट्री का मतलब उस कंट्री का जिसमें वो लोग जीते हैं, उस कंट्री का जो भी कोई अच्छा ओकेशन है या फिर फेस्टिवल है, उस टाइम पे मानाचे स्थान मिलत असे, उनको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट से बुलाया जाता था, चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया जाता था, उनको वहाँ पे बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट दी जाती थी, ओके गाइज। चलिए आगे।
पुढे ग्रीक सत्तेचा ह्रास झाला आणि त्याबरोबर आगे जाके क्या हुआ गाइस, जो ग्रीक पावर था वो पूरी तरह से अंत हो गया था उसका, समझ में आ गया आप लोग को। आणि उसके साथ ही साथ ईस पूर्वी मतलब बिफोर क्राइस्ट 394 मध्ये हे सामने बंद पडले, समझ में आ गया आप लोग को। मतलब बिफोर क्राइस्ट 394 मध्ये मतलब 394 में ये जो गेम्स है ये पूरी तरह से क्या हो चुके थे, बंद हो चुके थे। समझ में आ गया गाइज आप लोग को, होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा। गाइज आज का पार्ट जो है यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देख लेंगे, ओके गाइज। और अगर आप लोग को कुछ भी डाउट है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो गाइज, मैं आप लोग के डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ओके। और अगर आप लोग पर्सनली भी मुझसे बात करना चाहते हो गाइज, सो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी दे दिया है, आप लोग वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हो, ओके गाइज। और अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लग गई है सो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए गाइज, एक लाइक कीजिए, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कीजिए, ओके गाइस। मैं मिलता हूँ आप लोग को नए वीडियो में, ओके।